सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी व्यूवर्स को, सभी देशवासियों को हैप्पी होली, आने वाली होली की कलरफुल शुभकामनाएं। और इसी कलरफुल शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे HD बॉक्स के बारे में, जो है 6901 या 6901 सेम मॉडल आता है। कुछ सेटअप बॉक्स रिपेयर करने के बाद हमारे पास एक पीस ऐसा आया जो सिर्फ ऑन पे ही रुका हुआ, तो सोचा कि आपको हम उसके बारे में एक वीडियो बना के डाल दें। जो भी ऑन का फॉल्ट अगर आप लोगों के पास आता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज इस पीस को रिपेयर करेंगे। ये देखिए, स्टाफ हमारा जा चुका है और स्टाफ के जाने के बाद ये HD रिसीवर रिपेयर के लिए हमने इधर शुरू कर दिया काम। इनमें तीन हम कर चुके हैं और ये चौथा पीस जो हमने उठाया है, इसमें देखिए ऑन पे ही रुका हुआ है। तो सोचा आप लोगों के साथ ये फॉल्ट शेयर किया जाए, तो ये सिर्फ ऑन पे ही रुका हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें। चलिए इसे खोल लेते हैं जी। हमारे पास रिपेयरिंग के लिए दूर दूर से, दिल्ली से, बाहर से, कोरियर के माध्यम से इस तरह के सेटअप बॉक्स आते रहते हैं। ये देखिए USB में है और अभी भी ऑन पे ही है। मेन लीड हम इसकी निकाल देते हैं। ये देखिए HDMI USB, और इसी में ही इस टाइप के भी पीस आते हैं। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये MPG2 है, ना कोई USB है ना कुछ, लेकिन सब कुछ सेम फ्रंट से। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। एक बार मैं दोबारा से दिखा दूं, ये देखिए वही सेट है जो ऑन पे रुका हुआ है। पहले बड़ा ऑन था, अब छोटा ऑन होके वहीं पे रुका हुआ है। तो चलिए इसी को ही देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ग्राउंड पे लगा के थ्री पॉइंट थ्री, 1.8, 1.2 जो आता है उस पर 1.1, तो हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर किसी ने छेड़ा हो। एक बार इसको थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। EEPROM पे ज़रा सोल्डर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास सारा छेड़ा हुआ ही सेट ज़्यादा आता है। जो पहले ही जो रिपेयर नहीं हो पाता वही पीस हमारे पास आता है। अब एक बार ऑन करके देख लेते हैं।
ईप्रो में ही इसका ड्राई था सॉफ्टवेयर वाला। अभी भी दिक्कत है। आईसी भी ज़्यादा हीट हो रहा है। आईसी इसका ज़्यादा हीट कर रहा है। वोल्टेज ही देख लेते हैं जी इसमें। इसका जो मेन चिप है उसको थोड़ा डिसोल्डर कर लेते हैं। हो सकता वो ड्राई हो। ईप्रोम को भी एक बार थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं हीट करके। अब एक बार चालू करके देखते हैं। ऑन तो हुआ है, अब कितनी देर चलता है ये देख लेते हैं एक बार। टीवी पे डिस्प्ले भी आ गया लेकिन चैनल नहीं है कोई भी, बूट पे रुका हुआ है। पहले ऑटो ट्यून कर लेते हैं एक बार। देखिए सर्च लिखा आ गया, सर्चिंग पे हमने इसे लगा दिया। चैनल ट्यून होने के बाद टीवी की डिस्प्ले में बाद में दिखा दूंगा। ऑटो सर्च होते हुए टीवी की डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑटो सर्च हो रहा है। जैसे ही ऑटो सर्च पूरा होगा तो हम इसमें चैनल चला के दिखाएंगे। एक सौ सतासी चैनल इसमें ट्यून हुए हैं। ये देखिए 187 चैनल ट्यून हुए हैं पूरे। साउंड हम चेक नहीं कराएंगे। ये वही ऑन वाला पीस है, हमने इसे पेंचला कस दिया है और एक बार रीचेक मार लेते हैं इसे।
इसमें प्रॉब्लम है, अभी ऑन पे ही आ गया वापस। इसको दोबारा खोलते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ओके नहीं होगी तब तक कोई ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि काम करने वाले को पैसे कमाने से मतलब नहीं होना चाहिए, उसका काम भी तो अच्छा होना चाहिए। इसलिए से दोबारा खोल लेते हैं। देखिए वो ये ईप्रोम पे हमने सोल्डर किया हुआ है, वही वाला बिल्कुल सेम, वही दिक्कत। ऑन पे ही रुका हुआ है, ऑन से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर भी ठीक है, बोर्ड में ही कोई फॉल्ट है। बोर्ड को ही देख लेते हैं एक बार सही से, कोई रेगुलेटर वगैरह दिक्कत कर रहा होगा। इसमें दिक्कत है, ये 3.3 इस पर नहीं बन पा रहा। इसी को ही देखते हैं, इसकी सप्लाई ठीक होते ही अपना आप ऑन से आगे बढ़ जाएगा। चलिए पहले सप्लाई ठीक कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इस सर्किट में ये वाला 11-17 ट्रांजिस्टर ख़राब था। अब इसको चेंज करने के बाद हमारा सेट बिल्कुल ओके प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखिए बूट, और ये अपना भी प्रोग्रामिंग पे पहुंच गया। एक बार दोबारा ऑन ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से एकदम प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया है। तो चलिए अब इसको बंद कर लेते हैं, उसके बाद चलाएंगे। अक्सर बंद होने के बाद दिक्कत कर रहा था, क्योंकि अब तो हम खुद ही श्योर हो चुके हैं कि भाई अब ये वर्क करेगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में कोई भी फॉल्ट लिख के दें हमें, उसी के आधार पे आपको वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी, या कोई भी हमसे फ़ोन नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। ये देखिए अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। टीवी की वीडियो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अपने पास से चेक करके हम इसे ओके कर सकते हैं। बिल्कुल ओके वर्क एकदम। ये वही सेट है जो हमने अभी ओके किया है। तो दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी समस्या आप लोगों को आती है तो प्लीज़ बिना देर किए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का आपको तसल्ली पूर्वक जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भी समस्या आती है आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए या कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
और अगर कोई भाई अगर पुराना कार्ड अगर रिपेयर करना चाहता है और उसको कोई भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, जैसे मैं दिखा दूं MPG2 का कार्ड, अगर MPG2 के लिए कोई भी समस्या आती, कोई चिप वगैरह अगर अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तो चिप हमारे पास बिल्कुल एकदम आसान लो प्राइस के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप हमसे संपर्क करें और जो भी दिक्कत है उसका आपको पूरा संतोषपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक वीडियो डालता हूँ क्योंकि मेरा नया नया चैनल है। अगर चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे और ये चाहेंगे कि हम हर दूसरे दिन आपको कोई नया फॉल्ट, किसी नए फॉल्ट की वीडियो आपको दें, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार।